या दोस्तों, आप लोगों का संडे कैसा जा रहा है? मेरा संडे तो एकदम एकदम मस्त, आराम से मैं लेटी हूँ। आई थिंक 3 या 4 घंटे से मैं लगातार बस यूट्यूब में खाना देख रही हूँ, कार देख रही हूँ। हालांकि मेरे पास कार खरीदने के पैसे नहीं है, मगर जब से मैंने देखा है मतलब न्यू कार, सेकेंड हैंड कार, पूरे 3 घंटे से तो मैं लगातार सिर्फ कार ही देख रही हूँ। और 1 घंटे तो मैंने पूरा मुकबांग देखा है। अब मेरा कुछ खाने का मन कर गया तो मैं देखूंगी मैगी खाओ या एक्चुअली ना मुकबांग में ये लोग स्पेशली ये चाइनीज कोरियन लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, कोरियन स्पेशली ऐसे ऐसे नूडल्स खाते हैं जिनका प्राइस अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना तो 150 रुपये का एक पैकेट नूडल्स, 200 रुपये का एक पैकेट नूडल्स। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। अकेली लड़की इन दिल्ली सिटी के ब्लॉग में। एक्चुअली मैं अकेली रहती हूँ, ऐसे लिव इन अलोन वाला ब्लॉग बनाना शुरू किया था। बट देन मैंने सोचा कि मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर हिंदी में किया है, मैंने बीए हिंदी ऑनर्स किया है, बीएड भी हिंदी में ही कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लिविंग अलोन को हिंदी में कन्वर्ट करके अकेली लड़की किया जाए, ऐसा मैंने सोचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही चेंज हो रहा है दुनिया, क्योंकि सोचो पहले हम जब बचपन में थे तो अक्टूबर के समय से ठंड होना शुरू हो जाता था, सितंबर, हाँ सितंबर के समय से ठंड होना शुरू हो जाता था। मतलब मैं दिल्ली के वेदर के बारे में बोल रही हूँ, अरुणाचल में तो अभी भी सितंबर या ओल्डर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडी रहती है, मगर सोचो बचपन में सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तो ठंडी हो ही जाती थी। अब ये कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है, अभी भी मैं ब्लैंकेट नहीं ओढ़ रही हूँ, अगर थोड़ी देर चढ़ने लगूँ ना तो पसीना आने लगेगा, अभी भी गर्मी है। पता नहीं, ये कपड़े मैंने धोए थे कल रात, मैंने सोचा कि कल रात धोऊंगी, फिर अंदर में क्या कहते हैं पानी को निचोड़ के रख दूंगी और सुबह जब उठूंगी तब वो करूंगी, इसको बाहर टांगूंगी क्योंकि मेरे पास बालकनी नहीं है। ओ, मैं आपको बताना भूल गई, मैं सोई ही नहीं हूँ, अभी दिन के बज रहे हैं 2 बजे तो मैं सोई ही नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग ही बना के दिखा दूँ कि मैं संडे को क्या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ। और वजह यह है कि रात भर काम करने की आदत हो गई है, अब सुबह आके सोती थी क्योंकि रात भर तो हम फ़ोन यूज़ नहीं करते ना, तो सुबह आके सो जाती थी। अब सुबह से लेके अभी दिन हो गया मैं पूरा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। सच में फ़ोन ने ना सबको वो करके रखा है, अपना गुलाम बना के रखा है। हाँ, मैसूर पाक, हाँ मैसूर पाक ही है, इसको मैंने लिया है बिग बास्केट से 120 रुपीज़ का, जबकि मैंने खुद से डिसाइड किया था कि मोइक अब से मीठा नहीं खाएगी, चाहे मैं ऑयल खा लूँ, मसाले खा लूँ, मिर्च खा लूँ, मगर मैं मीठा नहीं खाऊंगी। मगर इसमें 1000 कैलोरीज है जो कि आपको मोटा करने के लिए काफ़ी है, और ये मैंने पूरा खा लिया, सिर्फ एक बचा हुआ है। फिर सारा दिन मैं रोती रहूँगी, मैं पतली नहीं हो रही, पतली नहीं हो रही। पता नहीं, एक क्रेविंग्स होता है रात को, है ना? अब ये ब्लिंकिट वाले भी देखो 10-15 मिनट में आपके घर के बाहर ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। तो वैसे वैसे इनकी गलती नहीं है, ये तो इनका बिजनेस है। बट हाँ, पहले ऐसा होता था कि खाने का मन भी करे तो ऑप्शन नहीं है, दुकान नहीं खुले हुए तो सो जाते थे, मगर अब हर चीज़ यू यू आपके हाथों में मिल जाता है तो लाइफ भी वैसे ही चल रही है। होने लगेगा कभी सा लिरिक्स भूल गई मैं बिता कर तो देखो, ऐसा कुछ था। शाम की चावल बची है, आलू बचा है, तो बाहर से ऑर्डर नहीं करके पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, यही खाना खाएंगे। मैं थोड़ा सा बर्तन धो लेते हैं। अच्छा, एक श्रीमान ने कमेंट में सवाल पूछा था कि मैं बीईएड करके टीचर बनूंगी या टेक महिंद्रा में कंटिन्यू करूंगी।
तो मैं आपको बता दूँ, टेक महिंद्रा और जो भी बाकी टेलस हो गया, टेली परफॉर्मेंस हो गया, गूगल हो गए, विप्रो हो गए, जितने भी ये कॉरपोरेट कंपनी है ना, बुरे नहीं है। इनफैक्ट आजकल के ज़माने में यंगस्टर को, जिनको जॉब नहीं मिल रही ना, ये कंपनी बहुत अच्छे है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि थोड़ा बहुत प्रेशराइज करते हैं, मगर हर काम में आपको प्रेशराइज होना ही पड़ेगा, तभी पैसे मिलेंगे। तो मेरा मेन गोल तो वही है कि हाँ, मेरा सपना ही है कि मैं एक दिन अच्छे से हिंदी, अभी अभी भी मैं हिंदी बोलती हूँ, मगर मुझे नहीं पता मैं इतना अच्छा हिंदी बोलती हूँ कि नहीं, बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जब किसी बच्चे को पढ़ाऊँ तो अच्छे से पढ़ाऊँ कि बच्चा हिंदी सीख जाए। ठीक है, तो मेरा मेन गोल तो यही है टीचिंग का ही। अब टेक महिंद्रा में ज्वाइन होगी तो अच्छे से काम करूँगी, एक्सपीरियंस भी लूँगी, क्योंकि भगवान ना करे अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो दूसरा आपका प्लान बी भी होना चाहिए। वैसे हर कोई यही बोलते हैं कि प्लान बी प्लान ए नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ में फोकस रहो, मगर एक ही चीज़ में फोकस आज के ज़माने में तो दो प्लान रखो तो ही, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, दो प्लान रखो तो ही अच्छा है। क्योंकि मैंने देखा है अभी मेरे दोस्तों को, लोगों को जो मुझसे भी बहुत अच्छे टॉपर्स थे, बट देखो अब उनके पास जॉब ही नहीं है, ना ही उन्होंने कभी यूट्यूब किया, ना ही उन्होंने कभी किसी कंपनी में जॉब किया। अब हो गए हैं वो 30 40 साल के हो गए हैं, मेरे जो सीनियर थे वगैरह, अब उनको कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। इसलिए हमेशा प्लान वन प्लान दो रखो। ठीक है, रात भर नहीं सोने के वजह से सर पे हेडेक हो गया, ओ सॉरी सॉरी, सुबह से नहीं सोने की वजह से सर पे हेडेक हो गया। अरे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, मैं रात भर काम करती हूँ और सुबह सोती हूँ ना, अभी तो हो गए 2 3 बज गए, अब तो सोई नहीं, जबकि मेरा डेली रूटीन ये होता था कि सुबह मैं सो जाती थी, इसके बाद शाम को 5 6 बजे उठ के फिर रेडी होके ऑफिस जाती थी। हालांकि आज संडे है, मगर सोना तो चाहिए था ना, मैं सोई नहीं हूँ। और आप लोग ने जितनों ने भी सीवी भेजा था वो मैंने एचआर को फॉरवर्ड कर दिया है। हायरिंग आई थिंक 15 नवंबर, 15 15 तक या अगले हफ्ते, याद नहीं, बट कुछ दिनों में ये हायरिंग बंद हो जाएगी, ज़्यादा हायरिंग नहीं करेंगे, जितना होना था हो गया है, तो मैंने वो सब भेज दिया है। और आप लोग ना, आप लोग नहीं, हर कोई नहीं, मगर कुछ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। भाई बहन, मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई रिक्रूटर या एचआर नहीं हूँ, मैं भी वहाँ पे काम करती हूँ, और बड़ी मुश्किल से मैंने भी इंटरव्यू क्रैक करके जॉब मिला है, इट्स जस्ट बिकॉज कि मेरी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, आपको जॉब दिलाना मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो खुद ही वहाँ जॉब मिला है ना, तो इतना जिस तरीके से आप लोग ईमेल में लिख रहे हो कि दीदी आप कितनी बुरी हो, जॉब नहीं दिलवा सकते, ऐसे मत बोलो। अगर मैं किसी को जॉब दिलवा सकती तो मैं क्यों ही जॉब कर रही होती कहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ, किसी और को भी ज़रूरत होगी शायद जॉब की, सोच के मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने समय से टाइम निकाल के आपका सीवी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ब्रश कर लेते हैं। ओ हाँ, जिन जिनका मैंने जितना सीवी है, जितना आया था, एक एक करके मैंने भेज दिया है। अब उन्होंने बोला है कि सीवी चेक करके आप लोगों को कॉल करेंगे, 9 बजे तक का वेट करने के लिए बोला। अब जिनका कॉल आया ठीक है, नहीं आया तो शायद रिजेक्ट हो गया होगा, आई डोंट नो। मैंने सारा एक साथ भेज दिया। मेरे ना ऐसे नहीं है कि मेरे कोई दोस्त नहीं बनते, करते हैं लोग मुझसे बात, मगर मैं ही ऑफिस से बाहर ना दोस्ती बनाना चाहती हूँ, ना मैं किसी के घर जाना चाहती हूँ। मेरा आजकल, मैं पहले बहुत ही ज़्यादा वो थी कि मैं तुम्हारे घर आ जाओ, तुम मेरे घर आ जाओ, ऐसे वाले, मतलब अकेले रहने से बहुत वो था मुझे कि अकेले नहीं रहना, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है ऐसे। मगर अब मैं अकेलापन इन्जॉय करती हूँ, मैं ऐसे
दुखी वाली नहीं हूँ कि मैं अकेली लड़की हूँ दिल्ली में, मुझसे कोई प्यार नहीं कर, ऐसा वाला नहीं है मेरा। मेरा कंटेंट ही यही है कि आप अकेले रहो, मस्त रहो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, और उन लोगों से तो बिल्कुल ही दूर रहो जिनके लिए आप हमेशा सब कुछ करते हो, और जब आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको भाव ही नहीं देते। क्यों दूसरों के पीछे भागना? मैं अभी खेलूंगी कुछ गेम्स। मैंने अपने टैबलेट पे इतना सारा गेम डाउनलोड करके रखा है, मतलब 10-20 गेम है मेरे पास, ये भी और दूसरा जिस पे मल्टीप्लेयर होता है ना, वो गेम भी मैंने डाउनलोड करके रखा। बोरिंग होता तो वो खेलती हूँ, वरना मैं अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करूँगी अपना, पहले गेम खेलूँगी। आप लोगों को मैं एक गेम सजेस्ट करना चाहूँगी, ये गेम, ये 1 2 3 4 प्लेयर्स वाला ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो भी आप बोर्ड्स के साथ खेल सकते हो, कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो। अच्छा गेम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये डू फिक्स और फ्लिक्स फॉक्स, ये दो एक ऐसा ऐप है जिसमें नेटफ्लिक्स के मूवीज़ भी फ्री मिल जाते हैं, आपको नेटफ्लिक्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बॉक्स ही दिखा देते हो, आप इसको फ्लिपकार्ट में ख़रीद लेना, बहुत सस्ता है। जब मैं बोल रही हूँ सस्ता है, इसका मतलब ये है कि, अरे लेट मी सी, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? हाँ, जब मैं बोल रही हूँ कि सस्ता है तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 1200 1300, 499 समथिंग का है, केवल 500 रुपये का पूरा चश्मा, सोचो। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर सकूं जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग खरीद पाए और यूज़ कर पाए, और स्पेशली अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर पाए, क्योंकि ये बस बड़ों के लिए नहीं है, आप अपने घर में छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। ये आंखें बचाओ, एक पाव का मैंने 40 रुपया खरीदा था ये मूंगफली। ऐसे चिप्स विप्स खाने की बहुत ज़्यादा आदत लग गई है मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मूंगफली वगैरह खरीद के खाया जाए, चिप्स विप्स से अच्छा। वैसे तो कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने पे हानिकारक होता है, फिर भी चिप्स से तो ये अच्छा है, विंटर में मूंगफली खाना पता नहीं अच्छा है कि नहीं पूरे डॉक्टर की तरह भाषण मार दिया। इसको गरम गरम करना है, फिर तोड़ के खाना, मज़ा आता है। तो मुझे अभी थोड़ी हल्की हल्की सी नींद आ रही है, तो आई थिंक मैं अभी सो जाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? और दोबारा मेरे वीडियो को देखना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? अच्छा, एक लड़का बोल रहा था कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, शादी क्यों नहीं कर रही हो? शादी करने के लिए बहुत टाइम है अभी, मगर ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे तो बहुत बड़ा सपना है शादी के लिए, शादी करूँगी, दो बच्चे होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगा, लड़की बच्चे का नाम, लड़का का लड़के बच्चे का नाम, मैंने ना लड़की बच्चे का नाम सोचा पेंसिल, मैं अपनी बेटी का नाम रखूँगी पेंसिल। हाँ बताओ, अब मैं क्यों इंतज़ार कर रही हूँ इसलिए? वो इसलिए कि मैंने चाहती हूँ कि मैंने जो अपने बचपन में देखा है वो मेरे बच्चे देखें। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, दूसरों के लिए ना सही मगर मेरे बच्चों के लिए मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जब भी कभी वो बात करे तो उनके दिल में हमेशा ये हो कि कोई रहे ना रहे, मेरी मम्मी ज़रूर थी मेरे साथ। मैं इस तरीके का मम्मी बनना चाहती हूँ। मैंने चाहती कि ऐसे शादी कर लूँ, पैसे भी ना हो, और मेरे बच्चे दर दर भटके, दूर शहर में जाके इतना मेहनत करके पढ़ाई करें। मैं नहीं करना चाहती ऐसे, खुद पहले थोड़ा सा जॉब सिक्योर कर लूँ, एक कार खरीद लूँ कार चलाना सीख लूँ, इसके बाद कर लेंगे शादी। क्या है, अभी नहीं है लड़का, तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा लड़का भी।
ऐसा नहीं था कि मैं कभी रिलेशन में नहीं थी, मैं थी रिलेशन में, बट वो रिलेशन चला नहीं। रोती रोती थी बस, बस रोती रहती थी। अब मेरे ब्रेकअप को हो गया है 2 साल। हाँ 2 साल हो गया है। ठीक है, मैं अभी इसको रखने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय बाय।